सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया और उसके माल में से मुझे कुछ भी पसंद नहीं। आगे क्या फरमाया, सवाए, गैस करें, सवाए क्या चीज़ होगी दुनिया में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीज़ पसंद होगी, सवाए लड़कियों के, औरत के और खुशबू के। अल्लाह ताला ने मर्दों को इजाजत दी है कि जो औरत लड़की तुम्हें पसंद है उससे निकाह करो। पसंद के मुख्तलिफ मैटर्स होते हैं। इस्लाम में सिर्फ लव मैरिज है, सिर्फ पसंद की शादी है। وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. Young and married का ये जो सेशन होता है ये इंशाल्लाह नाउ ऑनवर्ड्स यूट्यूब, गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो पॉडकास्ट्स के हैं वहाँ पर हर हफ्ते वाले दिन 6 बजे शाम को पब्लिश हुआ करेगा। तमाम लोग ट्यून इन किया करें हर हफ्ते को शाम 6 बजे यूट्यूब, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जो हमारे क्लिप्स हैं यंग एंड मैरिड का, जितना भी कंटेंट है इसके कोई कॉपीराइट्स नहीं हैं, और जितने भी पेजेस आप सोशल मीडिया पे देखते हैं यंग एंड मैरिड के नाम से हों या मुख्तलिफ यंगस्टर्स ने अपने अपने नामों से बनाए हुए हैं, वो तमाम तर अकाउंट्स ऐसे हैं कि जो YouTube से हमारे क्लिप्स लेते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं और अपने Instagram, TikTok और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कंटेंट की वजह से सिर्फ यंग एंड मैरिड के 20-25 मिलियन व्यूज़ पर मंथ आ रहे हैं। तो हमारा ये जो कॉन्टेंट है इसके कोई कॉपीराइट्स नहीं है। कोई भी जाए, आप जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं इस यंग एंड मैरिड मूवमेंट में शामिल हो जाएं, हमारी यूट्यूब की वीडियोस को लें, उनके शॉर्ट क्लिप्स बनाएं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक सब जगह पर इनको फैला दें और इस नेकी के काम में हिस्सा डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ं वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। सबसे पहले तो आप लोगों से एक दफ़ा फिर माज़रत, मैं लेट हो गया आज क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो आज के सेशन पे मूव करने से पहले हम हमारे साथ अब्दुल हसीब मौजूद हैं। अब्दुल हसीब लास्ट सेशन में लाइव कॉल पे आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद से ही हूँ, तो मैंने कहा जो इस्लामाबाद से हैं वो तो आ जाया करें सेशन में। तो ये अब्दुल हसीब आज आ भी गए हमारे पास। और अब्दुल हसीब कहते हैं कि जी मेरी लव स्टोरी है वो मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया सुने। तो अब्दुल हसीब क्या लव स्टोरी है आपकी, हमें भी सुना दें। वालेकुम अस्सलाम। बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र हो जाए तो वो अच्छी बात होती है। हाँ, कभी भी एक अच्छे पार्टनर या एक अच्छे इंसान तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अल्लाह से वो प्यार नहीं करेंगे। जब आपको अल्लाह से प्यार होगा तो उसकी मखलूक से वो और डेफिनेटली अटैचमेंट होगी। तो गॉड ओरिएंटेड होना, कोई भी बंदा जो यहाँ पे जितने भी बंदे इस टाइम देख रहे हैं उनको यही रिक्वेस्ट है, जब तक आप गॉड ओरिएंटेड नहीं होंगे कि आपका सब कुछ मसने, तकलीफें, हर चीज़ की जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ हो। तो असल में अगर आप में से किसी ने बाहर सफ़र किया हो तो आप जब बाहर जाते हैं कहीं से भी, फर्ज़ करें आप बाहर इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं, जैसे ही आपका प्लेन टेक ऑफ करता है तो फ्यू मिनट्स बाद आपको नीचे लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, अब फिर बंदा बाय रोड आ रहा हो तो उसको वही सफ़र 4 घंटे में 6 घंटे में तय करना है। तो ये सफ़र का इसलिए बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह स्पेस में ऊपर है, उनके लिए टाइम कांस्टेंट है, हमारे लिए टाइम वेरिएशन है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन अल्लाह पाक को पीछे भी नज़र आ रहा है और आगे भी नज़र आ रहा है। तो क्योंकि वो तो किसी चीज़ के पाबंद नहीं है ना, और यही उसकी शान है।
तो जब अल्लाह पाक हमारे लिए कोई निज़ाम चुनते हैं ना, तो वो फिर उसका बंदोबस्त भी वो खुद ही करते हैं। उन्हें पता था मेरा ऐसा होने, इधर यूनिवर्सिटी में भी एक आपी थी बन गई, वो कराची से बिलोंगिंग थी उनकी, सलामदा हो गई, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों की, दोनों से सलामदा हो गई, वो दोनों वो अक्सर कहते थे जी आए कराची आए। अब 2019 से उनसे सलामदा है, 19, 20, 21 और ये 2022 में जब बातचीत शुरू हुई, तो अब मुझे कराची जाना था, लेकिन अल्लाह ने पहले कराची जाने का बंदोबस्त किया मेरा। उन्होंने कहा आ जाओ, मैं 2022 में गया। सो सारा प्रोसेस ये बताने का ये था कि अल्लाह कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। तो इसके बाद पहले मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी अभी मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद है, आप ओके कर लें। नहीं अभी मुझे समझ नहीं आया, आपको कोई लड़की यूनिवर्सिटी में पसंद आई? नहीं, ये आप ही के थ्रू ही हुआ। और यूनिवर्सिटी में कोई किसी लेडी से आपकी सलाम दुआ हुई, उनके थ्रू आपको कोई और पसंद आया? असल में अभी एयर में तो नहीं इवेंट्स होते ना, पहले एयर में बहुत इवेंट्स होते थे, हम लोग एयर नेक्सस करवाते थे, उसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान से ना यूनिवर्सिटीज इनवाइटेड होती थी कि आप लोग आए, कोई बिजनेस आइडिया देना चाहते हैं उस पर प्राइज होते थे। तो अब तो बिकॉज कोरोना के बाद से चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो गई। अच्छा, तो आप कराची गए? हाँ, मैं 2022 में अभी पिछले साल कराची गया, लेकिन अल्लाह ने मेरा पहले ही इंतज़ाम बना दिया था कराची जाने का। आप ही को मैं 2019 में जानता था, और वो अक्सर कहती थी कराची आ जाओ, उनके हस्बैंड है साहब भाई, तो ये दोनों कहते थे यार आओ कराची, हम लोग रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो बताने का मकसद ये कि जब अल्लाह आपके लिए कुछ चुनता है तो पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह ने करनी। फिर आपका रिश्ता हो गया? हाँ हो गया, माशाल्लाह। लेकिन तो वो पसंद लड़की ढूंढी कैसे आपने? यार हम लोग, मेरा एक दोस्त था, एक और दोस्त था उसामा, ये और जो मेरी फियांसी है, ये दोनों म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। अच्छा, तो उसामा जो है वो फैसलाबाद में, तो उसने कहा यार आओ, हम लोग एक जगह थे, उन्होंने कहा आओ मिलो, इस्लाम दुआ करो। तो बस मुझे पसंद आई, मैंने अम्मी को कहा कि करनी है, अम्मा तो आपको पता है, हाँ जी करनी है, आज दोस्त रिश्ते ढूंढेंगे, हम लोग मर गए हैं क्यों कैसे रिश्ते होते हैं। अच्छा, तो वो अम्मी, असल में हमारे पंजाब का वो कल्चर, वो थोड़ा सा हिंदुओं से वो ट्रांसफ़र हुआ है ना कि हम माँ बाप हैं तो हम एक्वायर करेंगे बच्चों का एज अ प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसे नहीं होता है। फिर फाइनली अम्मी मान गई? अम्मी नहीं मानी, अभी भी नहीं मानी। नहीं, फिर रिश्ता कैसे हो गया? नाना बू, नाना वो ऊपर से अम्मी ने तो घर से निकाल दिया मुझे। घर से अभी भी निकले हुए? हाँ जी हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी किधर हो? नाना बू के घर रह रहे हो? तो नाना बू, अम्मी आपको कह रही है माँ बाप की बात मानो, खुद अपने अब्बू की बात नहीं मान रही, ये तो गलत है ना भैया, ऐ ना करो अम्मा जी, इन्हों कार आण दे वापस। नहीं, वो कहती थी कि उधर करेगा तो बस इधर से कट, प्रॉपर्टी से कट। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा मैं, मेरे अल्लाह पे जब आपका ईमान होता है तो आप ये चीज़ें तो नहीं सोचते, आप तो ये देखते हैं कि अगर मेरे नसीब में जो चीज़ लिखी है। इन्होंने कहा भाई मुझे लड़की पसंद है, अल्लाह ताला ने मुझे, शरीयत ने मुझे हक दिया है कि मैं अपनी पसंद का निकाह करूं, अम्मी से मशवरा ले सकता हूं, अम्मी के वलीमे पे दावत दे सकता हूं, अम्मी को इख्तियार नहीं है कि वो मेरे लिए लड़की चुनेंगे, शरीयत है भाई, अल्लाह ताला की शरीयत है। तो अम्मी ने कहा भाई प्रॉपर्टी से आको, घर से निकल जाओ, सब कुछ हो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैंने तो मना लिया नाना अबू को। तो यार वो कभी कभी नाना अबू घर पे भी नहीं होते, गायब भी होते हैं। नाना अबू अक्सर जाते हैं, लेकिन वो बाज़ुकात होता है कि वो लड़की को लेकर निकल पड़ता है नाना अबू की उम्मीद में, और आगे पता चलता है नाना अबू घर पे नहीं है, ट्रेन मिस हो जाती है। ऐसा नहीं हुआ। वो आजकल ड्रामा चल रहा है ना, एक क्या नाम है उसका, गुमशुदा मोहब्बत, देखा आपने? नहीं, वो हम मैं पाकिस्तानी ड्रामे पर्टिकुलर हम टीवी पे एक ड्रामा चल रहा है, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है गुमशुदा मोहब्बत, पर इस तरह से कुछ है उसकी स्टोरी, कुछ ऐसे है कि वो बड़े इमेच्योर लड़का लड़की होते हैं, तो हमसाए होते हैं, तो एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। अब वो घर वालों को बड़ा मनाते हैं, घर वाले नहीं मानते, जब घर वाले नहीं मानते तो वो फाइनली फिर डिसाइड करते हैं कि हमने घर से भागना है, तो वो घर से भाग पड़ते। अब उसमें उन्होंने इतना इमेच्योर दिखाया है कि वो लड़का जो है वो कोई उसकी प्लानिंग नहीं होती, कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, निकाह कहाँ करना है, बस वो कहता है नाना अबू के घर चले जाएंगे, बाद में पता चलता है नाना अबू घर पे नहीं है, फिर उनकी ट्रेन मिस हो जाती है, वो लड़की का भाई होता है, पता नहीं कज़न होता है, वो उनके पीछे पीछे होता है। तो
आखिरकार वो किसी वो इधर इस्लामाबाद में शूट हुआ है, वो फिर दिखाते हैं सैदपुर विलेज में, वो कहीं जाके किसी के घर एक रात किराए पे ठहरते हैं, फिर कोई उनका निकाह पढ़ा देता है, लेकिन फिर उनके पास ठहरने की जगह नहीं होती तो वो ख्वार हो रहे होते हैं। फाइनली लड़की जो है वो तंग आके वापस अपने घर चली जाती है, लड़के को मार पड़ती है, वो भाई उस लड़की का या कज़न होता है पता नहीं कौन, वो उसको मारता है खूब, वो ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल पड़ा होता है, लड़की घर चली जाती है। उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश ऐसे की है कि ये इमेच्योर, अभी पता नहीं आगे के एपिसोड में वो क्या करते हैं, कि ये इमेच्योर जो लड़की लड़का भाग के मोहब्बत कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा देर रहती नहीं है, लड़की को भी बाद में फिर जाती है, वो अपने घर वापस चली जाती है, और लड़का या हॉस्पिटल में पड़ा होता है या थाने में पड़ा होता है। वैसे वो स्टोरी में अचानक मुझे याद आ गई इस सेंस में कि असल में होता ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो इस तरह पसंद की शादी कर लेते हैं ना लड़की लड़का, या भाग जाते हैं घर से, अभी ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाग के कर लें या ना करें, अक्सर उसमें ऐसे होता है कि जब माशरे की सोसाइटी की सपोर्ट नहीं होती ना, तो फिर वो गिव अप करने लग जाते हैं। पहले जो प्यार होता है वो बाद में फिर उस तरह रहता नहीं है, ये नहीं कि प्यार नहीं रहता, सोसाइटी प्रेशर इतना डालती है, इतना प्रेशर डालती है, और आपको ना दीनी लिहाज से माशरती लिहाज से ऐसी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं कि फिर आपको रिग्रेट होने लग जाता है, फिर शैतान और पूरा दजाली सिस्टम भी आपके जहन में वसवसे डाल रहा होता है कि तुम लोगों ने गलत किया है। तो फिर क्या होगा, फाइनली लड़की पहले तो आ गई लड़के के कहने पे, बाद में अब वो परेशान हो गई या उसको अम्मी अब्बू याद आ गए या घर चले गए वापस, तो अब लड़का जेल ही काटेगा। अच्छा, अब आप इस सिचुएशन में देखें, दिखाया तो यही जा रहा है, होता भी ऐसे ही है, लेकिन इस चीज़ में समझने की बात यह है कि ये इसमें अगर ऐसा होता है तो गलत ये नहीं है कि लड़की लड़का ने प्यार की शादी क्यों की है, पसंद से शादी क्यों की है, गलत ये है कि जो सोसाइटी ने प्रेशर डाला है ना, उनको उनकी पसंद और उनकी चॉइस के लिए सपोर्ट नहीं किया, वो गलत है। और उसके बाद वो दिखाते हैं बाप बिस्तर पे पड़ा होता है, वो जो लड़का होता है वो टांगे तोड़वा के हॉस्पिटल में पड़ा होता है, और हर कोई और लड़की रिग्रेट कर रही होती है। फिर उसके अंदर वो दिखाते हैं कि वो कहती है कि मैंने एक लड़के की मोहब्बत में माँ बाप बहन भाई ताया चचा मामू सब की मोहब्बतों को गंवा दिया। अब ये ऐसे डायलॉग्स हमारी सोसाइटी उसको सिखा रही है ना, प्रेशराइज कर रही है। भाई, सिखाने की बात यह है कि जब तुमने निकाह कर लिया तो तुम्हारे लिए तुम्हारा शोर ही सारे प्यार है, उसी से तुम्हारी सोसाइटी है, उसी से सारा तुम्हारा प्यार है, उसी के साथ तुमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। जो लड़की होती है वो तो वैसी ही इमानत होती है, माँ बाप का काम होता है कि वो उसकी तरबियत करें, उसकी अच्छी परवरिश करें, फिर वो जिसकी इमानत है जिस लड़के को वो पसंद करे और लड़का भी उसको पसंद करे उसके हवाले कर दें। अच्छा। बाकी सारे प्यार उनका काम है कि सपोर्ट करना कि वो उसकी मैरिड लाइफ में उसका साथ दें और वो जो मैरिड लाइफ है उसमें उसको सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम देखेंगे पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम आएगा, इस्लामिक सिस्टम आएगा, फिर जितने लड़का लड़की घर से भागेंगे उनके साथ क्या सलूक होगा, गवर्नमेंट उनको घर देगी। उनके साथ ये सलूक होगा कि सबसे पहले कहा जाएगा कि अम्मी अब्बा को हाजिर करो ना, छित्तर मारो इनको कि क्यों मजबूर हुए ये घर से भागने पे, जब वो निकाह करना चाह रहे हैं तो आपका काम है, सोसाइटी का काम है, पेरेंट्स का काम है, वो वली होता है, ओनर नहीं होता, आका नहीं होता, उसका काम है कि उसको सपोर्ट करे। लड़की ने जिस भी लड़के को पसंद किया, अगर वो शराबी नहीं है, अगर वो जानी नहीं है, अगर वो सूद नहीं खाता, अगर उस वो चरसी नहीं है, अगर वो इस तरह का आवारा गर्द नहीं है, या कोई काफिर नहीं है, या कोई और इस तरह का मसला नहीं है, तो फिर सोसाइटी का काम बनता है, चाहे आपको लाख दफ़ा नापसंद हो। अगर लड़की को पसंद है तो लड़की के घर वालों का काम बनता है कि वो उसकी सपोर्ट में उसका निकाह करवा दें। और मतलब वो जो वो मुझे याद इसलिए आ गया कि वो अब उस में ना वो बिस्तर पे पड़ा होता है ना, अगर इस्लामी होती ना गवर्नमेंट तो उसको बिस्तर से निकाल के छित्तर मारते कि क्यों तुमने ऐसा काम किया कि तुम्हें खुद भी तुम्हारे इतना दिल तुमने दिल पे ले लिया, सॉरी मैं अभी सुनता हूँ आपकी पूरी बात, कि तुमने इतना दिल पे ले लिया कि पता नहीं मेरी बेटी ने पसंद का निकाह कर लिया तो कौन सी क्यामत ढा दी है, तो तुम उसको वहाँ से बिस्तर से निकाल के, हॉस्पिटल से निकाल के उसको जो है ना वो इस्लामी शरीयत सजा दे कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। अब ये सोसाइटी में इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इसके ऊपर किसी सज़ा का
अनाउंस होना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या कह रहे थे आप? थोड़ा कैम वैसे इसमें ना मैं एक चीज़ जो डालना चाहता हूँ, जो आपने ड्रामा बताया है सारा, उसमें फाइनेंशियली ना बहुत चीज़ मैटर करती है। अब एटलीस्ट इतना ज़रूर, जब मेरे साथ ये हुआ ना आग वाला सिस्टम हुआ, तो जो मेरी मदर इन लॉ है, मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ ना इस चीज़ का। उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे किया कि यार मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं था, जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन वो बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मेरी बेटी को एक रोटी खिला लोगे? मेरी बेटी को एक रोटी आप खिला लोगे? मैंने कहा एक रोटी तो खिला रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर आधी वो खाएगी और आधी तुझे खिलाएगी। माशाल्लाह, ये पीछे ना माओं का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ ये बांध दी गई है, अब ये तुम्हारी इमानत है, जब तुम आओगे इसको लेके चले जाना। ये उसके बाद अल्लाह ताला ने आपकी जॉब भी करा दी, अब अच्छी जॉब भी पे भी है माशाल्लाह। अच्छा ये अब अल्लाह की चीज़ें होती है, अल्लाह पाक आप दोनों को ना एक दफ़ा चेक भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसी दौरान ना, मतलब ये बड़ी कश्मकश वाली स्टोरी थी। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि अब अल्लाह पाक ने आप दोनों को टेस्ट भी करना है। अब इसी दौरान क्या हुआ कि उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो एक ज्वेलर के घर पर हैं, तो उनकी तरफ से मेरी फ्यांसी का रिश्ता आ गया। उन्हें पता है कि इसका ऑलरेडी, उन्हें ये, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि इसका ऑलरेडी रिश्ता हुआ हुआ है, ये बात चल रही है। और दूसरी तरफ मेरी तरफ क्या हुआ कि एक मेरे बड़े मामू हैं वो स्कॉटलैंड होते हैं, उनकी बस तीन बेटियाँ हैं, तो दूसरी तरफ से उधर से मेरी तरफ से रिश्ता आया हुआ है। अब हम दोनों की तरफ से ना अलग अलग रिश्ते आए हुए, अल्लाह ने देखना था कि ये और वो दोनों फाइनेंशियली और दोनों की सही तगड़ी प्रॉपर्टीज हैं पीछे से फाइनेंशियली। अगर मैं हाँ करता हूँ तो मुझे सीधा स्कॉटलैंड का वीज़ा है जी, वहाँ घर सब कुछ आपको मिल सकता है, और अगर वो करती है तो जी एक ज्वेलर की बीवी, और आपको पता है गोल्ड कहाँ जा रहा है आजकल, ठीक है। तो एट द टाइम आपको दोनों तरह से वो था, पहले उसको ऑप्शन आया, उसने ना की, फिर मेरा ऑप्शन था, मैंने उसे नहीं बताया, मैंने ना कर दी। मैंने कहा कि यार जो मेरे नसीब में अल्लाह ने उसके तो फैल लिखा होगा ना, वो चीज़ तो मिल के रहेगी मुझसे। जब अम्मी तो अल्लाह ताला की तरफ से, जब अम्मी ने मुझे फर्स्ट टाइम कहा ना कि मैं जायदाद से आग कर दूंगी, तो मैंने अम्मी को एक ही जवाब दिया, मैंने कहा अम्मी अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहूँ जो फ़ायदा देना तो सारी दुनिया मिल के तुम्हें नुकसान नहीं दे, और मैं तुम्हें नुकसान देना चाहूँ तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तो अम्मी जो चीज़ मेरे नसीब में है वो तो मुझे मेरी बीवी के तो ख्याल मिल के रहेगी, आप लेके क्या कर लेंगे? सही बात। तो बाद में लेकिन आपको इस चीज़ के लिए ना कि हाँ जवाब दे, जवाब देना पड़ेगा। और अम्मी खाम खाम में उन्होंने तो नहीं ना, उन्होंने तो जो रिश्ता किया था अपनी पसंद से किया या पेरेंट्स की पसंद से किया, अच्छा किया। अब अम्मी का इख्तियार ख़त्म, वो अपने बच्चों के ऊपर भी वो इख्तियार लगा रही होती हैं जो उस वक्त में उनके पास था, अब उनका इख्तियार ख़त्म हो गया। आप जो जहाँ पर भी हैं सुन रही होंगी या बाद में सुनेंगी, आपको अल्लाह ताला ने ये इख्तियार नहीं दिया कि आप अब्दुल हसीब से कहें कि तुम फलां जगह रिश्ता करो। और बड़ी सख्त बात है, सीधी बात है लेकिन बड़ी सख्त बात है, कि जब कोई बच्चा है, फ़र्ज़ करें जैद है, जैद जब छोटा बेबी था ना, तो उसकी अम्मी उसका डायपर भी चेंज कराती थी, उसको वॉशरूम भी लेके जाती थी, उसके कपड़े भी चेंज कराती थी, उसको नहलाती भी थी। जब जैद 7 साल का हो गया ना, तो उसकी अम्मी ने उसको कहना शुरू कर दिया कि अपनी पॉटी खुद दो, ठीक है, उससे पहले ही कहना शुरू कर देते हैं। खैर 3-4 साल में, फिर 6-7 साल का हो गया तो वो फिर सारे काम अपने खुद करने लगा, वो नहाता भी खुद, सब कुछ करने लगा। फिर 7 साल में तो बच्चे को साथ सुलाना भी सही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी अम्मी का, जैद की अम्मी का इख्तियार ख़त्म हो गया कि अब वो जैद को कहें कि चलो भाई मेरे सामने कपड़े उतार के नहाओ, कह सकती हैं? नहीं ना कह सकती, ठीक है। ये कह सकती हैं कि जैद को किसी और के सामने कपड़े उतार के ना हो? नहीं कह सकती। अम्मी का इख्तियार ख़त्म हो गया। अगर अम्मी उसको ऐसे ऑन करती होती ना, तो फिर अम्मी का और जैद का पर्दा ना होता, वॉशरूम जाते हुए जैद दरवाज़ा बंद ना करता, जैद के कपड़े अलग ना होते। बड़ी सीधी बात है, किसी को अच्छी लगे या बुरी, जैद को अल्लाह ताला ने पूरा इख्तियार दिया है, प्राइवेसी दी है। अब जैद ने अपने आप को खुद वॉश करना है, खुद बात लेनी है और अपनी प्राइवेसी का खुद ख्याल रखना है। और जब जैद बालिग हो गया, अब तो कोई अम्मी किसी को नहीं कह सकती कि तुम कपड़े उतारो या कुछ करो। सीधी बात है, बुरी तो लगेगी आप लोगों को, लेकिन सीधी बात है। जैसे आप उसको ये नहीं कह सकती कि अपने सामने कपड़े उतारो, इसी तरह आप उसे ये भी नहीं कह सकती कि फ़लाँ के सामने, फ़लाँ लड़की के सामने कपड़े उतारो, फ़लाँ के साथ निकाह करो, फ़लाँ के साथ बिस्तर में सो, ऐसे नहीं कह सकती आप। उसको अल्लाह ताला ने खुद इख्तियार दिया है कि वो जिसको चाहे पसंद करे, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो। सारी ज़िंदगी गुजारनी है उसने
एक बिस्तर में सोना है, लिबास बनना है एक दूसरे का, कोई प्राइवेसी नहीं होगी, अम्मी का इख्तियार ख़त्म। लेकिन जिसको जैद पसंद करेगा उसका इख्तियार है, वो उसको अपने सामने जैद को नहला सकती है जब वो निकाह हो जाए, तो वो जैद के साथ एक बिस्तर में सो सकती है, वो बग़ैर लिबास के भी जैद के साथ चिपक के सो सकती है, अम्मी का इख्तियार नहीं है अब उसका है। और उसको चूज़ कौन करेगा? वो जैद खुद करेगा जिसके साथ जैद कंफर्टेबल है। जैद किसी के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, उसके साथ उसकी बन ही नहीं रही, जैद को पसंद ही नहीं आ रही, और अम्मी उसको कह रही है कि तुम सारी उम्र उसके साथ एक बिस्तर में सो, ये क्या बात हुई? उसके साथ बच्चे पैदा करो, ये क्या बात हुई? ये लॉजिकली भी समझ में नहीं आती बात। और शरीयत ने भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, शरीयत ने भी जैद को इजाज़त दी है कि वो जैद ख़ुद अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करे। इसी तरह वो जो लड़की है उसको भी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि वो ख़ुद से पसंद करे। अगर उसे कोई पसंद नहीं है और पेरेंट्स उसे सजेस्ट करते हैं तो वो हाँ या ना कर सकती है, लेकिन अव्वलीन इख्तियार लड़की का ख़ुद है कि वो ख़ुद पसंद करे कि उसको जैद पसंद है या कोई और पसंद है। एक दफ़ा चूज़ हो गया, अब वो ड्रामे नहीं कर सकती, अब उसने जैद के साथ ही जीना मरना है। और जैद ने भी अगर पसंद कर लिया तो अब उस लड़की के साथ वफा करनी है, उसके साथ अच्छा सलूक करना है। हाँ, तीन और लड़कियों के साथ जैद वफा कर सकता है, लेकिन उसके साथ भी करनी है जिसको एक दफ़ा पसंद कर लिया। इजाज़त लेगा ना तब? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये देखें जी, ये अजीब सी बात कर ली अब्दुल नसीब ने। अब्दुल नसीब, ये जो आपने बात की ना कि पहली से इजाज़त लेगा, ऐसा नहीं है। मुझे पता है अभी आपका ये डिस्कशन का मौका नहीं है क्योंकि आपने अभी पहला पहला प्यार किया है, लेकिन जो शरीयत है ना, वो जैसे आपकी अम्मी को सिखाना ज़रूरी है ना, इसी तरह आपके लिए भी सीखना ज़रूरी है। शरीयत में बीवी की हैसियत एक सपोर्ट की है, ठीक है, और वो सपोर्ट विद अ लॉट ऑफ हुकूक, वो बहुत सारे हुकूक होते हैं बीवी के। बीवी को जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, वो आपके माँ बाप, आपकी औलाद की माँ भी होती है, और वो आपके घर प्रॉपर्टी हर चीज़ में की ज़िम्मेदार और उसके देखभाल भी कर रही होती है, वो आपकी इज़्ज़त की भी देखभाल कर रही होती है, वो आपका लिबास भी होती है, और आपकी उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है, वो आपके ऊपर हक रखती है कि वो आपसे पूछ सके कि कोई ऐसी वैसी मैटर्स में तो नहीं पड़े हुए या जो भी लेकिन आपको ये इख्तियार है कि आप एक बीवी रखें या चार, ये आपका इख्तियार है। जैसे आपकी अम्मी को इख्तियार नहीं है ना कि वो आपके लिए लड़की चूज़ कर सके, इसी तरह आपकी बीवी को भी इख्तियार नहीं है कि वो आपको रोक सके और बीवियां लाने से। उसकी एग्जांपल समझने के लिए बड़ी अच्छी, अभी आप इधर आए हैं बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको जगह अच्छी लगी, अवैस भाई से गपशप हो गई, दोस्ती हो गई, अवैस भाई भी अच्छे लग गए, ठीक है, फ़र्ज़ करें, पता नहीं लगे या नहीं लगे, लेकिन चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अच्छे लग गए। तो अब आप ये कहें कि जी ये चार लोग बैठे हुए हैं ना, अब आप ये कहें कि नहीं नहीं बॉस मैंने इधर बैठना है, ये क्या अब्दुल्ला क्यों इधर बैठता है, फरीद क्यों इधर बैठता है, खिजर क्यों इधर बैठता है, अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि या मैं आपके घर जाऊं तो ऐसे करूं नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को जो घर प्रॉपर्टी और रिजाल कवामून अलनसा औरतों के ऊपर ज़िम्मेदार भी बनाया है और हुक्मरान भी बनाया है, ठीक है, और नान नफके का ज़िम्मेदार भी मर्द को बनाया है। तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो घर है, वो जो बिस्तर है, चाहे किराए का है, चाहे एक रोटी खाने का है, चाहे एक छोटा मैट्रेस है, कुछ भी है, वो मर्द का है। बीवी मेहमान आई है, मेहमान लेकिन पार्टनरशिप के साथ, ठीक है, कि कुछ ले दे के साथ पार्टनरशिप है, आप हक मेहर देते हैं और वो आपके घर आती है, फिर आप उसे अपनी इज्जत, अपना नाम, अपना सब कुछ देते हैं, और वो फिर आपके इज्जत बनती है, आपके नाम को ओन करती है, आपके साथ ज़िंदगी गुजारती है और मिलके एक पार्टनरशिप होती है। लेकिन बीवी को अब ये इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि आप मज़ीद पार्टनरशिप्स नहीं कर सकते या मज़ीद मेहमान नहीं बिठा सकते। हाँ, वो अपनी प्राइवेसी मांगेगी, ये नहीं कि एक ही कमरे में दो घुसा दें या एक ही घर में दो घुसा दें, मुकम्मल प्राइवेसी होनी चाहिए, दरवाजे एंट्रेंसेज अलग अलग होने चाहिए, चाहे साथ साथ हों चाहे दूर हों। तो ये शरीयत में ये कोई मजाक नहीं है, ये एक पाकिस्तान में अब कानून भी कहीं पास हो गया था कि पहली बीवी की इजाज़त लेगा तो फिर दूसरी करे, तो कानून में पता नहीं कि वैसे तो पहले सफ़े पे तो लिखा हुआ है कि हकमियत आला का मालिक अल्लाह है, अंदर जो मर्ज़ी ओल फोल बकते रहते हैं, तो दजालियत इसी को तो कहते हैं, धोखा अल्लाह के नाम पर धोखा देना शुरू कर देते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तीन निकाह किए हैं, और चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने
इजाज़त नहीं ली, इजाज़त लेनी होती ही नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े या सज़ा काटनी पड़े तो मैं फ़ख्र से जाऊँगा, अल्लाह ना करे। तो अगर अल्लाह ना करे ये नौबत आई तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो इख्तियार हक शरीयत ने मुझे दिया है उसके लिए अगर कोई भी तकलीफ़ कोई भी परेशानी फेस करनी पड़ती है तो वो सारी की सारी अजर है। इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि जो निकाह हक का करेगा, हलाल का करेगा, उसके लिए उसके ऊपर कोई आजमाइश आई, तकलीफ़ आई, मुशक्क़त आई, परेशानी आई, वो सब अजर है, वो जिहाद है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा कर रहा है। हमने जिहाद पता नहीं किसी को बम फोड़ने को समझ लिया है, इस्लाम के उसूल और दीन को कायम करने का नाम जिहाद है। किताल करना पड़ता है कुफार से, लेकिन वो कुफार से करना होता है, यहाँ हर रोज़ जिहाद होता है। और आज के दौर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया है, असल जो गुस्ताखी है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो हम लोग कर रहे हैं, वो अम्मी कर रही हैं जो लड़के को कह रही है ज़बरदस्ती फ़लाँ के साथ निकाह करो, वो अब्बू कर रहे हैं जो बेटी को कह रहे हैं कि तुमने अगर फ़लाँ को पसंद किया है निकाह किया तो मेरी लाश से गुजरोगे, वो अम्मी अब्बू और वो ससुराल और वो ख़ानदान कर रहा है जो कह रहे हैं कि माशरे में तुमने नाक कटवा दी है पसंद की शादी करके। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल गुस्ताखी है और ये सबसे ज़्यादा मुसलमान कर रहे हैं। तो अब आज के दौर में निकाह करना, पसंद का निकाह करना, एक से ज़ायद शादियां करना, निकाह करना, ये सारे के सारे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं जिनको ज़िंदा करना जिहाद है, और इसके साथ आने वाली हर तकलीफ़ अजर है। और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी की जान भी चली गई इसमें, ऐसे मामलात में चली भी जाती होती है, पता नहीं क्या गैरत का इन्होंने बनाया हुआ है, तो वो सीधा शहीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को ज़िंदा करने की कोशिश की। क्योंकि आज के दौर में जिना बहुत आसान था, वो जिना कर लेता, उसको किसने कत्ल करना था, किसने पूछना था, बड़ा आसान है ऐसे ही। लेकिन उसने निकाह का रास्ता इख्तियार किया, और अगर उसमें अल्लाह ना करे उसको कोई भी तकलीफ़ आई या जान भी चली गई तो वो सीधा शहीद है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमाएगा। तो और जो कत्ल करे या जुल्म करे वो मकरूह है, मरदूद है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला से कि तौबा भी कबूल ना करे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा करने के ऊपर जिसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और जो हक बात के ऊपर जिसको तकलीफ़ हो या कोई गाली दे या बदुआ दे तो उसका जवाब कौन देता है? फिर अल्लाह ताला खुद देता है। अबू लहब ने दिया था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अल्फाज कहे थे कि तबक आया मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाह, वो तो रिपीट करते हुए भी बंदे की ज़ुबान कांपती है, लेकिन मैं बताता इसलिए हूँ कि उन्हीं अल्फाज में फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिए, उन्हीं अल्फाज में, वही अल्फाज, तब्बत यदा अबी लहब, तेरे हाथ टूटे, तू तबाह हो जा, तू बर्बाद हो जा अबू लहब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। और जो आग कर रहे हैं ना, वैसे तो ये आग करने वाला तो कोई मजाक है ही नहीं ना, जो अल्लाह ताला ने हक दे दिया औलाद को वो अल्लाह ने दे दिया, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हें भी तुम्हारी औलादों को भी अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हम रिज़्क़ देते हैं, तुमने क्या समझ रखा है कि तुम अपने हाथ से कमाते हो? नहीं, रिज्क नसीब से है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। ये बहाने हैं कि जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, ये जी मैं फ़लाँ जगह जॉब करता हूँ, या मेरा पेट्रोल पंप है, या मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है, या फ़लाँ चीज़ है, ये सिर्फ ज़रिए हैं, बहाने हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला रिज्क देता है। वरना प्रॉपर्टी का बिज़नेस उसका भी है कि जिसके घर में फाके हैं, कहने को वो भी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर बैठता है। पेट्रोल पम्प वाले भी ऐसे हैं कि जो लॉसेज में जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिज़नेस वाले भी ऐसे हैं कि जिनका कोई ऑनलाइन चीज़ सेल नहीं हो रही होती। ये सिर्फ़ बहाने हैं, ज़रिए हैं, किसी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा रिज़्क़ दे दिया, किसी को कम रिज़्क़ दे दिया, लेकिन रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और वालिदैन को जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने दिया है उसमें औलाद का हक है। अगर आपकी औलाद भूखी सोई तो ये याद रखें, हमसाया भूखा सोए और आप पेट भर के सोएँ तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं कि जो खुद पेट भर के सोए और उसका हमसाया भूखा सोए, औकमा कौल। और औलाद अगर आपकी भूखी सोई, औलाद को अगर तकलीफ़ उठानी पड़ी, आप खुद एसी में सोए हुए थे और आपका बेटा किसी फुटपाथ के ऊपर धक्के खा रहा था, या किसी गर्मी में मजदूरी कर रहा था, या किसी जगह पर ख्वार हो रहा था, तो हमसाए के तकलीफ़ उठाने से आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो औलाद को ऐसी तकलीफ़ में छोड़ देने से, औलाद को आग करने से आपके साथ क्या सलूक होगा वो तो अल्लाह ताला ही फिर जानता है। तो ऐसे वालदैन अल्लाह से डर जाएं, और
और नौजवान जो है ना उस वक्त का इंतज़ार करें और उसके लिए कोशिश करें जिसका वक्त आ चुका है। बस चंद महीने या बहुत कम वक्त रह गया है कि जब हम इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आएगा। और सारे यंगस्टर्स, आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपकी शादियां नहीं होने दी जा रही, आपके साथ जुल्म हो रहा है जॉब आपको नहीं मिल रही, आपके साथ जुल्म हो रहा है कि अगर आपको जॉब मिल गई है 35,000 रुपये की तो उसमें से भी 6,000 रुपये टैक्स देना पड़ जाता है आपको, फिर आप उसमें से अगर मोबाइल फ़ोन लेने चले जाते हैं तो उसमें से पता नहीं कितने 100% ड्यूटी हो गई है, पता नहीं कितने परसेंट, तो वो आपको टैक्स देना पड़ता है, फिर आप कार्ड लेने चले जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स होता है, कार्ड लेने के बाद फिर कॉल मिलाते हैं उसके ऊपर अलग टैक्स होता है। ओ भाई, गलती कर दी हमने पैदा होके, माफ़ कर दो हमें, अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया, तुम लोग हमें कैसे ग़ुलाम बना रहे हो, हर चीज़ पे हमें लूट रहे हो, ये टैक्स नहीं है, ये भत्ता है, ये जुल्म है। और अब ये टाइम आ गया है कि इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और अपना हक मांगेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मर्ज़ी ख़र्चा करो, रोटी खाओ, बाहर से खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, जो मर्ज़ी करो, फ़ोन लो, सब कुछ करो, उसके बाद अगर तुम्हारे पास ना इतने पैसे बच गए हैं कि उससे तुम 52.5 तोले चांदी, वो कितने 1,00,000 रुपया तो बन जाता है मेरे ख्याल में, 2,250 रुपये तोला होगी होगी अब, फिर भी तुम्हारे पास अगर 1,00,000 रुपया या उससे ज़्यादा बच गया है ना, तो फिर तुम उसमें से 1,00,000 रुपये में से कितने 2,500 रुपये सिर्फ 2,500 रुपये 1,00,000 रुपये में से तुम गवर्नमेंट को दे दो कि वो ज़रा रोडें बना लें या कोई गरीब है उनकी मदद कर लें, मोटरवे बना लें, ये सारे मैटर्स, पुलिस की तनख्वाहें दे दें, ये सारे मैटर्स जो हैं ये गवर्नमेंट कर ले, बाकी सारे जो मर्ज़ी करो तुम अपने पैसे से। तो भाई ये क्यों क्यों इस सिस्टम को पूछ रहे हैं आप लोग। और फिर हाँ, पसंद की शादियाँ भी करवाएगी खिलाफत इंशाल्लाह, तो ये जो पेरेंट्स नहीं करवा रहे ना फिर उनको गवर्नमेंट पूछेगी। और ये जो पेरेंट्स इस तरह के फिर ताने देते हैं ना कि पता नहीं तुम पसंद की शादी कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें पूछेगा, अल्लाह आपको पूछेगा जो दीन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है पसंद की शादी करने का, तो आप कौन होते हैं उससे हक छीनने वाला। सही कह रहा हूँ ना, ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ ना एक वो लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ कि वो जो माँ बाप अक्सर कहते हैं ना कि जी हमें कुरान ने कहा है कि हमारे सामने तुमने उफ नहीं करनी, तुम कैसे कह रहे हो उफ नहीं करनी, लेकिन शादी पसंद की करनी है। तो मैं वही लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि आप जब ना किसी से भी निकाह के लिए हामी भरते हैं, कहते हैं कबूल है ना, तो वो जो भी लड़की है उसके माँ बाप चाहे जैसे भी थे, उसके बाप ने अपने राइट्स के अंदर रह के ना उसकी इज्जत की हिफाजत की, किसी भी को भी बोलने नहीं दिया, किसी की बात नहीं सुनी अपनी बेटी के बारे में, तो वो सारे राइट्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप पे मुंतकिन हो गए जब आपने हाँ हामी भर दी कि हाँ जी मुझे ये मेरे निकाह में कबूल है। अब ये आपका फ़र्ज है कि आप किसी को बोलने ना दें उसके लिए, कोई उसके बारे में बात करे तो उसे वहीं शट अप कॉल दें कि हाउ डेयर यू टू टॉक अबाउट हर। सही है, ये आप उसकी जिम्मेदारी। अच्छा जी, दूसरी तरफ आपके अम्मा बा कहते हैं जी कि अब कुरान भी हमें कह रहे हैं कि जी उफ नहीं करनी, तो जब शादी हो जाए ना तो इसका वो बेसिक लाइन क्या है, जो अक्सर लोग कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन कहती है कि आप अम्मी अबू को कहें मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आप जो मर्जी करें, मुझे खुद मेरे अम्मी अबू ने 26-27 ईयर एज है, इसी साल थप्पड़ छप्पड़ जो कुछ उनका था उन्होंने मारा, मैंने अम्मी अबू को कहा अब मैं एक दो मारे 4-5 और मार लें मुझे, ठीक है, ताकि आपको वजह, लेकिन ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने पॉइंट से हट जाऊँ। ये बात बड़ी जिन्होंने वैलिड की है, ज़रा मैं और क्लियर करके बता देता हूँ, लड़का और लड़की इसमें दोनों में ज़रा फ़र्क है। ये जो उफ़ वाला मामला है, वला तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, के अपने तुम पेरेंट्स को झड़क नहीं सकते, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते और उनके सामने उफ़ भी नहीं कर सकते। ये जैसे इन्होंने कहा ना कि थप्पड़ मारे, सब कुछ किया, वो जायदाद से आग कर दिया, लेकिन उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, उन्होंने और अपना सर नीचे कर दिया कि आप 2-4 बेशक और मार लें, तो ये इतना ही है, वो मार लें आपको, लेकिन आपने उफ़ नहीं करनी, आगे से हाथ नहीं उठाना, आगे से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि अब वो आपको खुदा बन के डील करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने जो इख्तियार आपको दिया है, जायदाद में हक फिर भी आपका रहेगा, पसंद की शादी फिर भी आप करेंगे, हाँ अगर वो रोक रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो आप आगे से चुप रहें, बदतमीज़ी ना करें, कंधे झुका के रखें, बिल्कुल मजलूम बन के रहें, लेकिन अपने हक से आप फिर भी नहीं हटेंगे। और दूसरी बात इन्होंने बड़ी प्यारी की कि जब लड़की कह देती है ना कबूल है, तो अब वो जो वालिदैन की जो पास थी ना, वो वालिदैन के जो राइट्स थे वो ट्रांसफ़र हो गए हस्बैंड की तरफ। ऐसा नहीं है कि अब वालिदैन के सामने उफ कह सकती है, वालिदैन के सामने फिर भी उसने बहुत हम्बल होकर रहना है, लेकिन
شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں لڑکی کے لیے کہ اگر بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کا جنازہ بھی پڑا اور شوہر کی اجازت نہ ہو تو بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کے سگے باپ کے جنازے پہ بھی نہیں جا سکتی. والدین کے حقوق یہ نہیں کہ اب شوہر روکنا شروع کر دے, شوہر کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اجازت دے کے جا کے اپنے والدین کے حقوق ادا کرے, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی کرے, ان کو کوئی کھانا پینا دوائی کی ضرورت ہے تو شوہر کا کام بنتا ہے خود لے کر جائے اپنی بیوی کو سپورٹ کرے اپنے پیرنٹس کے یعنی لڑکی کے پیرنٹس کے حقوق ادا کرنے میں. لیکن اگر کسی وجہ سے شوہر روک رہا ہے تو پھر بیوی نہیں جائے گی اپنے ایون پیرنٹس کے پاس بھی. ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسا میٹر ہے کہ انتہائی ضرورت ہے تو وہاں پہ پھر یہ والا اصول آ جائے گا, لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اگر وہ ایسی کسی بات سے روک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس میں ہو رہی ہے تو پھر وہ جو بیوی ہے وہ کسی شرعی مسئلہ پوچھ لے کہ اس کیس میں مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن لڑکی کے لیے نکاح کے بعد اپنا شوہر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کی بات ماننی. سارا سینیریو ہو گیا تو میں نے امی ابو کو اتنا کہا کہ آپ لوگ اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتے, آپ اس کو کمنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ ہر مرد پہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اگر پروٹیکٹیو شیلڈ بنے تو قرآن میں بھی یہی لفظ ہے کہ آپ نا صرف یہ نہیں کہ حکمرانی کرنی, آپ نے اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. اور آپ کسی کی بچی کے ساتھ لا رہے ہو نا تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی یار, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے بہن ہے, وہ آپ کے گھر آ رہی ہے تو لو افیکشن دیں. اور جو اویس بھی پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اجازت نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ میری بیٹی علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر نہیں آنا, کہ علی نے اگر اجازت نہیں دی نا تو گھر نہیں آنا. حالانکہ حضرت علی بالکل بھی ایسے نہیں تھے اور نہ حضرت فاطمہ ایسی تھیں, لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو بھی نگیٹو لیتے ہیں کہ جی ایسے روک رہے ہیں ویسے روک رہے ہیں. کوئی مجبوری ہو تو اس پہ روکنا بنتا ہے, نہیں مجبوری تو اس کے بعد اگر کوئی ہو رہا ہے تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ طلاق سے ریلیٹڈ کہ طلاق سے بچو. اگر کسی کا بیوی اچھی نہیں ملی, بیوی ایسی ہے تو وہ اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے تو اس کو وہی ثواب ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا ان کی بیویوں پہ. اور کسی کی بیوی اچھی اور اس کا شوہر اچھا نہیں ہے تو اس کو وہی ثواب ہے جو حضرت آسیہ کو ملا تھا فرعون کے ساتھ. تو کمپرومائز کریں, ایک دفعہ رشتہ ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ کمپرومائز کے بغیر کوئی بھی رشتہ چلتا ہے. ہاں دونوں کو لے دے کرنا پڑتا ہے, کوئی شارٹ کمنگز ہیں تو ان کو وہ کرے. ہاں لیکن اگر اللہ نہ کرے, یہ بھی کلیئر کرنا ایک دفعہ ضروری ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کا کریکٹر خراب ہے اور پھر ایسی لڑکی کے ساتھ کوئی گزارا کر رہا ہے یا معاف کر رہا ہے تو وہ پھر بغیرت ہے, وہ یہ نہیں, وہ کمپرومائز میں نہیں آتا. اچھا جی, بات اس طرح سے ہے کہ میں ذرا دوبارہ رپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ کل پرسوں کی بات ہے, ایک نوجوان کی کال آئی تھی غالباً کراچی سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پسند کا نکاح کر لیا کیونکہ گھر والے دونوں سائڈ سے نہیں مان رہے تھے, تو اس کے بعد ہم نے گھر بتا دیا. جب گھر بتا دیا تو لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں سائڈز جو ہیں نا وہ پھر اس پہ آ گئے کہ چلیں ٹھیک ہے اب انہوں نے کر ہی لیا ہے تو ہم اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اکٹھے کھانے وانے بھی وہ بتا رہے تھے کہ کھائے اور ایک دوسرے کے گھر دعوتیں بھی ہوئیں, سارا کچھ ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا ایک سال کے بعد ہم رخصتی کر دیں گے. تو اب جب تھوڑا ٹائم گزر گیا تو پھر لڑکی والوں نے لڑکی کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ تم نے ناک کٹوا دیا ہے, تم نے تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا, کیوں تم نے ایسے کیا. اور اب جو ہے وہ اس لڑکی کو پریشرائز کر رہے ہیں اور وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں, رخصتی نہیں کر رہے. تو اس بچی سے بھی میں یہی کہوں گا جہاں کہیں ہے اس تک بات پہنچے, اور اس لڑکے سے بھی یہی کہوں گا کہ جب آپ لوگوں نے نکاح کر لیا تو اب آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں, آپ ایک دوسرے کا جو حق ہے نا وہ زیادہ ہے, پیرنٹس کا حق نہیں ہے آپ کے اس معاملے کے اوپر. لڑکی کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس فوراً آ جائے, لڑکے نے کہا میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں, جاب بھی کر رہا ہوں, اچھا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور لڑکے کے گھر والوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لڑکی کا کام بنتا ہے, تمہارا نکاح ہوا ہوا ہے, لیگلی بھی ہوا ہوا ہے, شرعی لحاظ سے بھی ہوا ہوا ہے, گھر والے بھی پہلے مان گئے تھے تو اب وہ ڈرامے کر رہے ہیں, تو بس اپنے شوہر کے پاس آ جاؤ. اور اس سلسلے میں جو پیرنٹس تمہیں کہہ رہے ہیں نا ان کا اب حق ہی نہیں رہا جب نکاح ہو گیا,
अब उनका तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है, तुम अपनी शोहर की इजाज़त के बगैर उस घर में रह ही नहीं सकती। और शोहर का काम भी बनता है कि बिल्कुल भीगी बिल्ली ना बनो, बाइक या गाड़ी या जो चीज़ है तुम्हारे पास लेकर जाओ, उसको बिठाओ और आ जाओ अपने घर, अपने घर आने अपने घर आ जाओ, कहीं साइड पे किराए पे कोई रेंट पे फ्लैट लेना है वहाँ ले लो और अपनी बीवी को बसा लो। जब उनको ऐसे दरिंदों में छोड़ दोगे कि जो अपने पसंद का निकाह भी नहीं करने देते, तो फिर ऐसे ही होना है उसके साथ। और लड़की भी, वो जो पेरेंट्स उसको करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि तुम गुनाह करोगी, तुम हमारी नाफरमानी करोगी, तो तुम वो नाफरमानी ज़रा करके उन्हें दिखाओ, फिर उन्हें पता चले कि क्या होता है। नाफरमानी कोई नहीं होती, जब निकाह हो गया तो शोहर का हक है। अल्लाह की नाफरमानी तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं कि जो तुम्हें तुम्हारे शोहर के पास जाने से रोक रहे हैं। जब तुम्हारा निकाह हो गया, जैसे भी हुआ, अब वो तुम्हारा निकाह हो गया है, तुम्हारे सारे के सारे हुकूक जो हैं वो तुमने शोहर के अदा करने हैं। उसकी परमिशन के बगैर तुम अपने पेरेंट्स के घर एक लम्हा भी नहीं रह सकती, एक दिन तो दूर की बात है। और अगर तुम अपने पेरेंट्स की बातों में आकर अपने शोहर के पास नहीं जाओगी तो तुम ये गुनाह कर रही हो। और जो पेरेंट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं कि तुम वालदेन की नाफरमानी करोगी, गुस्ताखी करोगी, फलां करोगी, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं और दजल कर रहे हैं। यही तो दजल है, धोखा, अल्लाह के नाम के ऊपर धोखा देना और अल्लाह की आयतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, जो आजकल हर कोई पेरेंट्स कर रहे हैं, ज़्यादातर कर रहे हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने जहाँ तक आपको इख्तियार दिया बस वहीं पर रहें, उससे आगे ना बढ़ें। अब उसका निकाह हुआ है, उसको भेजें अपने शोहर के पास, नहीं तो फिर इंतज़ार करें, थोड़े दिन ठहर जाएँ, अल्लाह खैर करेगा, खिलाफत आ जाएगी बहुत जल्दी, फिर आपको जो ज़िल्लत नेशनल सतह पे अल्लाह ताला देगा तो फिर लाजिम है कि हम सब देखेंगे इंशाल्लाह। सलाम से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में तुमने डाली, ये हमने डाली? तो जब नबी के लिए ये फरमान है ना, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो किसी भी इंसान की मोहब्बत आपके दिल में दो ही वजह से आती है, या तो अल्लाह पाक आपको कुछ सिखाना चाहते हैं या अल्लाह पाक आपको वो देना चाहते हैं। तो अगर आप ये सोचें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह आपने मेरी इसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली है, अब ये मोहब्बत निकल ही नहीं रही। क्योंकि मैं जो अपनी पार्टनर के लिए दुआ करता था वो यही है कि अल्लाह मेरे लिए ये अजनबी थी और आज ये मेरी ज़िंदगी के हर मुकाम पे खड़ी है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो या तो ये अल्लाह तो इसे पूरी तरह मेरी ज़िंदगी में दे दे, या फिर इसका मुझे कभी इसका ख्याल भी ना आए। क्योंकि मेरी बदकिस्मती देखना, मैं कोई अंबिया या नबी होता तो ऐसी दुआ ना करता, लेकिन मैं तो एक लड़की के लिए रो रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती हो सकती। तो मेरे आंसुओं को ना तू पाक कर दे कि ये आंसू सिर्फ तेरे लिए बहें। तो अगर वो मुझे मिल जाएगी तो उसके बाद ये आंसू सिर्फ तेरे लिए निकलेंगे, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे ही रोता रहूँगा। तो आप अल्लाह से दुआ करें और यकीन माने कि आपको टेस्ट भी होगा, सेक्रीफाइस भी होगा, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादातर जज्बाती होती हैं, वो एकदम हिम्मत हो यार, वो मुझे मेरा अपने पार्टनर ऐसे ही कहते थे यार नसीब क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी नहीं है। बस कहता था यार सब्र तो करो, क्या टेस्ट किए बगैर अल्लाह पाक प्यार दे देता है, अल्लाह पाक तो टेस्ट करता है ना। जब अल्लाह पाक मोहब्बत करेंगे ना आपसे, तो वो आपको टेस्ट करेंगे और आजमाइश में डालेंगे और आपको लगेगा आप टूट रहे हो। और जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी उतनी सख्त आजमाइश होगी और फिर उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने आपको आजमाइश दी और उसके बाद आपको प्रॉफिट ना दें, ऐसा तो नामुमकिन है। इन्ना माल उसरी उसरा, मुश्किल के बाद आसानी। हाँ अच्छा जी, अब हम कुछ सवाल लेते हैं। चलें जी, अभी हम करते हैं आपसे, लेते हैं क्वेश्चंस, लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक ले लें, यार थक गए हैं बोल बोल के। कौन नहीं मान रही? जो पसंद है वो नहीं मान रही तो फिर सही नहीं है ना, वो लड़की सही नहीं है ना। ये शरीयत ने किसी को हक नहीं दिया कि किसी भी लड़की को ये हक नहीं है कि वो अपने शोहर से या किसी मर्द से कहे कि अपनी पहले बीवी को छोड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया। अगर ऐसी लड़की है वो एक बीवी की मौजूदगी में आपके घर नहीं आना चाहती तो वो लड़की सही नहीं है, उस लड़की को आप छोड़ दें। ठीक है, वो आपको आपकी बीवी को तलाक देने को कह रही है तो आप उसको छोड़ दें जो आपको ऐसा कह रही है। ठीक है, अगर आप उससे कर भी लेंगे ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कभी खुश रहेंगे, क्योंकि वो पहले घर एक लड़की का घर तोड़वा के खुद आना चाह रही है। अगर उसको आपसे प्यार है ना तो फिर प्यार का हक अदा करे और निकाह कर ले आपसे और पहले वाली बीवी भी रहे।
वो तो बाद की बात है ना, अब वो मुझे क्या पता, आप पहली जो दूसरी लड़की है उसके प्रेशर में आके आप ये कह रहे हो कि मुझे पहली बीवी से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत नहीं थी तो आपने निकाह क्यों किया था? मर्द तो निकाह ऐसे थोड़ी कोई करा सकता है, कोई गन रखी थी आपके पेरेंट्स ने आपके उस पर कनपट्टी पे, तो आपने कर ली ना, खुद किया है ना, खुद किया है ना, उस लड़के की ज़िंदगी के क्यों खेल रहे हैं उसके साथ? जब आपने खुद की है तो फिर उसे बसाएं। अब ये कह रहे हैं, ये किसी की कॉल आई हुई है, ये कह रहे हैं कि मैंने मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी है और मुझे बीवी पसंद नहीं है। भाई लड़के की ज़बरदस्ती शादी, चलो लड़की की तो मुझे समझ आती है, ज़बरदस्ती कर दिया, मारा पीटा, प्रेशर डाला, और ज़्यादातर केसेस में लड़के की कैसे होती है? चलो कोई रेयर केस है कि मारा पीटा होगा, ये तो कह रहे हैं मुझे नहीं मारा पीटा, कोई गन भी नहीं रखी कनपट्टी पे, आपने अपने मुँह से कबूल है किया ना, तो वो लड़की कोई मजाक होती है कि आप उसको बाद में पहले कह दें कि जी कबूल है, पेरेंट्स के प्रेशर में आके कह दें, बाद में कह दें जी मुझे पसंद नहीं है? ये कोई ऐसे थोड़ी है, चुविंगा मैं एक खाई फेंक दी फिर उसके बाद। अगर आपको पसंद नहीं थी तो आपको करना ही नहीं चाहिए था, अगर कर लिया है तो उसको बसाने की कोशिश करें, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, उसको खुश रखें। अगर कोई और पसंद है तो उससे भी कर लो, लेकिन इसकी ज़िंदगी को मजाक ना बनाओ, ठीक है ना? और अगर कोई लड़की आपको ये कह रही है कि मैं पहली बीवी को छोड़ दो, तो उस लड़की को छोड़ दो जो आपको ऐसा कह रही है, क्योंकि वो गलत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, ठीक है मेरे भाई? ये कह रही हैं कि मेरी एज छोटी है, 90, अब कितनी हो गई है, 23 हो गई है, और 18-19 से इनका मसला चल रहा है, इनको ये इनका फर्स्ट कज़न है, वो इनको पसंद करता है, ये भी उसको पसंद करती हैं, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, वो बड़ा है एज में, 15 साल शायद बड़ा है, और पहले हाँ शादी भी, बिज़नेस वगैरह है उसका, और उसकी शादी हुई भी है या जो भी मैटर है, लेकिन ये उसको पसंद है, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। ये वैसे ही पेरेंट्स ने मजाक बनाया हुआ है, ये क्या देखें ना, जब लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अपने पाँव पे खड़ा है, और उसको लड़की पसंद है, तो लड़के का तो बनता ही नहीं है कि वो किसी से परमिशन ले। लड़की के भी पेरेंट्स खाम खा अगर रुकावट बन रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो लड़की को इख्तियार है कि वो किसी और को अपना वली मुकर्रर कर ले, या स्टेट के पास चली जाए, कोर्ट के पास चली जाए, और अपनी पसंद से अपना निकाह कर ले। तो ये पेरेंट्स को ये मजाक ख़त्म करना चाहिए, और इसका कोई यही हल निकालें इंशाल्लाह। आप अपने पेरेंट्स को वो लोग मनाने की कोशिश करें, आपके पेरेंट्स को एक हद तक, लेकिन इतने साल गुजर गए हैं, 4-5 साल हो गए उन्होंने लटकाए हुए, तो बस फिर वो आपसे निकाह कर ले, ख़त्म करें बात। बदनामी क्या होती है, बदनामी क्या होती है? आप लोगों ने कौन सा हराम काम किया, आप लोगों ने पसंद किया, निकाह करना चाहते हैं, इसमें हराम क्या है? बदनामी क्या होती है? अगर आप दुनिया वालों को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, वो पहले भी मैंने मिसाल सुनाई थी, वो आपने उसका क्लिप भी पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, कि वो आप गधे के ऊपर बैठ जाएं तो भी नाराज़, गधे को के ऊपर ना बैठें तो भी नाराज़, गधे को उठा लें तो भी नाराज़, लोग तो नाराज़ ही नाराज़ रहते हैं, लोगों को छोड़ें, बस जब शरीयत ने आपको इख्तियार दिया है कि आपको अगर पसंद है तो आप बस निकाह कर लें, बात ख़त्म, फिर जो मर्ज़ी कहता रहे। ये बच्ची कह रही है कि जो लड़का इसे पसंद है, उसके घर वाले डॉन टाइप के हैं, तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है रिश्ता लेके, ख़ुद भी आया है, कभी घर से भाग जाता है, कभी क्या होता है, लेकिन वो कभी गन्स दिखाते हैं, कभी धमकियां देते हैं, लेकिन इसका रिश्ता नहीं करा रहे। तो बेटा ऐसे लोगों के केस में तो मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ही कोई सूरत निकाले, वरना इस तरह के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट करते हैं अभी भी और बाद में भी। और लेकिन जब अल्लाह ताला मान जाए ना, तो वह हर मुश्किल के को भी आसानी में बदल देता है। आप सिर्फ़ अल्लाह के आगे ही झुकें और अल्लाह ताला से ही मांगें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत निकाल देगा। नहीं तो फिर थोड़ा वेट कर लें, ज़्यादा जल्दी जज्बाती ना हो, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला कोई सूरत बना देगा। बाकी आपको पूरा हक है कि जहाँ पे आपको पसंद है आप वहीं पे निकाह करें, और लड़के का भी काम बनता है कि इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने घर वालों को मनाए किसी ना किसी तरह। अव्वल तो वैसे तो लड़के को जायज़ है कि वो ख़ुद भी निकाह कर ले, लेकिन वो वही बात है कि वो अगर ढूंढ लेते हैं और असला लेके पीछे आ जाते हैं, तो वो फिर अगर वो कर लेता है तो फिर आप लोगों के लिए मसले बनेंगे, ज़बरदस्ती आपको कोई मार कुटाई करें या कोई इस तरह की सिचुएशन करें तो भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि कोर्ट मैरिज करें, लेकिन मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि लड़का और लड़की बजाय अब एक्शंस के, एक्शन तो आप दोनों ने कर लिए, कोशिश कर ली है, अब तवक्कल अल्लाह पे करें, सिर्फ़ अल्लाह के आगे सजदा करें, उसी के आगे झुकें,
उसी से मांगें और उससे ना उठें जब तक कि वो मान नहीं जाता। जब वो मान जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह खैर करेगा, उसके घर से कोई ना कोई मान जाएगा तो कोई आ ही जाएगा रिश्ता लेने के लिए इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल लेगा। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है और आपने बस सजदे में उठना है, जब तक सजदे में रहना है और उठना नहीं है कि जब तक अल्लाह ताला जो है ना मान ना जाए। ठीक है बेटा, मैं ज़रा नेक्स्ट ले लूँ जी। सही है। अच्छा देखें, ये आप लोग भी सुन लें, ये बता रहे हैं कि इन्होंने ऑनलाइन एक लड़की से निकाह किया। लड़की क्या थी कि वो उसको तलाक हुई हुई थी, पहले शोहर से उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उस शोहर ने उसको तलाक दे दी। उसके बाद इद्दत गुजरी, इद्दत गुजरने के बाद इनके बकौल इन्होंने उससे निकाह किया। उसके बाद वो लड़की वो अमेरिका में रहती थी, फिर वहाँ से सऊदीया इनके पास आई, कुछ दिन रही, लेकिन फिर दोबारा उसके शोहर से उसका रابطہ हुआ और वो वापस अपने शोहर के पास चली गई। अब इनसे رابطہ ख़त्म कर दिया है और अब वो अपने पहले शोहर के साथ रह रही है। तो ये सारे लोगों के लिए भी समझने की बात है कि देखें, जब किसी लड़की को तलाक हुई, ठीक है, एक तलाक हुई या तीन तलाकें हुई, दोनों केसेस में ऐसे ही है कि जब उसको तलाक हो गई लड़की को और इद्दत गुजर गई, ठीक है, तीन माहवारियाँ गुजर गईं, अगर वो हमल से है तो हमल हो गया, बच्चा हो गया, तो उस केस में भी इद्दत ख़त्म हो गई। ठीक है, जब इद्दत ख़त्म हो गई उस दौरान में शोहर ने अगर रुजू नहीं किया, इद्दत के दौरान में अगर रुजू नहीं किया और इद्दत गुजर गई, तो अब वो लड़की आज़ाद है, चाहे वो पहले शोहर के बच्चों की माँ हो, कुछ भी हो, अब वो लड़की आज़ाद है। अब अगर उसने पहले शोहर के पास जाना है तो भी निकाह होगा, और अगर उसने किसी और मर्द से के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो भी निकाह होगा। हर केस में उसको निकाह ही करना है। ठीक है, अगर वो अपने शोहर के पास नहीं गई, उसके साथ निकाह नहीं किया और उसने किसी और मर्द से निकाह कर लिया, तो अब ये लड़की उस शोहर की बीवी है जिसके साथ उसने अब निकाह किया है नए मर्द के साथ। पहले शोहर का इसके ऊपर से हक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। हाँ, वो बच्चों की माँ है, बच्चों का मामला जो है वो तय किया जा सकता है आपस में कि कैसे तय होगा, बच्चे किसके पास रहेंगे, कैसे होगा, कौन मिलेगा, नान नफका फिर भी मर्द के ज़िम्मे ही रहेगा, बच्चों का, बीवी का नहीं। तो अब वो बीवी जब उसने निकाह किसी और जगह कर लिया तो पहले शोहर के ऊपर बिल्कुल हराम हो गई। अब पहले, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत है, पहले शोहर के ऊपर वो बिल्कुल हराम हो गई। अब वो जाए जो मर्ज़ी करे, किसी और से निकाह करे, जैसे मर्ज़ी करे, इस बीवी के साथ उसका पर्दा है, जैसे किसी भी गैर औरत के साथ होता है, इस सबका बीवी के साथ उसका पर्दा है, और अब इसका हक इसके दूसरा शोहर जो है उसका मुकम्मल हक है। लेकिन अब ये जो बता रहे हैं कि वो लड़की वापस चली गई अपने शोहर के पास और मुकर गई हर चीज़ से कि नहीं, मैंने तो कोई निकाह किया ही नहीं, हालांकि इनके पास ये कह रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ये कह रही है कि मैंने निकाह किया ही नहीं और पहले शोहर के पास चली गई। पहली बात तो ये है कि पहले शोहर के पास वो जब चली गई है तो अब इस शोहर की बीवी मुकम्मल जिना में है, अगर ऐसा ही है जैसे ये बता रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको फतवा नहीं दे रहा, जो सिनेरियो आपने बताया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं गवाह नहीं हूँ आपके सिनेरियो पे, मैं आपको फतवा नहीं दे रहा, सिर्फ सिनेरियो के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। आपका जो मामला है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो मामला आपने बताया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अब वो अपने शोहर के साथ जो रह रही है, पहली बात तो ये अपने शोहर की नाफरमानी करके ये गई यहाँ से, ठीक है, हालांकि इसके शोहर का मुकम्मल हक है उसके ऊपर, और अब ये एक गैर मर्द के साथ रह रही है, एक साबका शोहर के साथ रह रही है, अब उसके साथ इसका निकाह हो ही नहीं सकता। इद्दत के बाद अगर इसने एक और जगह निकाह कर लिया है तो अब पहले शोहर के साथ इसका निकाह हो ही नहीं सकता, जब तक कि ये दूसरा शोहर उसको छोड़े और इद्दत ना गुजरे। अब जब दूसरे शोहर ने छोड़ा ही नहीं, ना खुला हुई, ना तलाक हुई, ना एक तलाक हुई, ना दो हुई, ना तीन हुई, ना इद्दत गुजरी, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब ये अपने पहले एक्स के पास चली गई है, पहले शोहर के पास चली गई है, तो वो एक मुकम्मल जिना में रह रही है, मुकबल गुनाह में रह रही है। अगर इस्लामी शरीयत के मुताबिक देखी जाए तो एक शादीशुदा औरत का जिना में रहना वो क्या है, वो उसके उस बिल्कुल हराम है, और उसकी सज़ा जो है वो संसार है, कोई हल्की फुल्की सज़ा नहीं है। ठीक है जी, और
वो जिधर मर्जी सोती है, बस जैसे मर्जी रहती है, वो बीवी तो आपकी है ना, आपकी इजाज़त के बगैर तो वो वहाँ जा ही नहीं सकती। अच्छा अब अगली बात सुन लें कि दुनिया में नाक कटेगी या जो भी होगा, अगली बात सुन लें कि आप बीवी आपकी है, आपकी इजाज़त के बगैर वो चली गई वहाँ पे और अपने सबका शोर के साथ रह रही है, हालांकि निकाह उसने आपके साथ किया था। तो अब आप वीडियो बना बना के बयान जारी कर रहे हैं और अपने जो भी मामलात हैं वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बीवी आपके पास आ जाए। तो मेरे भाई आप भी तो ये देखें ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई मर्द आ जाए कि मेरी बीवी गैर मर्द के साथ चली गई है, तो भाई उसके दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेपरेशन करवा देते थे। अगर किसी शोहर मर्द ने आकर यह कहा कि मैंने अपनी बीवी को जिना करते हुए देखा है फलां के साथ, तो फिर वो तीन दफ़ा, वो हमने पिछले सेशन में पूरा डिटेल में बताया कि वो तीन दफ़ा अल्लाह की कसम उठाकर कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, कि चार दफ़ा, और पांचवीं दफ़ा ये कहेगा कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो इस और इसी तरह फिर बीवी भी करेगी, लेकिन दोनों के दरमियान इसके करने से सेपरेशन हो जाएगी, एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। तो आपकी बीवी चली गई है किसी और मर्द के साथ और आप उसको ढूंढते फिर रहे हैं, भाई अब वो चली गई जैसे भी थी, बेवफा थी, कुछ भी थी, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो आप उसके पीछे भागना छोड़ दें, आपके साथ उसने बेवफाई की जो भी की, आप उसे तलाक दें। और आपके लिए जायज़ नहीं बल्कि बिल्कुल ज़रूरी है कि आप एक नहीं तीन तलाक़ें दें कि वो गैर मर्द के साथ बीवी रह रही है, और एक वक्त में दें और उसको अपने ऊपर हराम करें, और ऐसी बीवी से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी जान छूट गई। आपके ऊपर तो कोई तोहमत नहीं है ना, आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना, आपने तो कुछ जना नहीं किया ना, आपने तो निकाह किया, अपने पास बसाने की कोशिश की, वो चली गई। जब वो चली गई किसी गैर मर्द के साथ चली गई, चाहे वो उसका सबका शोर हो, गैर मर्द के साथ चली गई, तो वो किसी गैर के साथ ज़िंदगी गुजार रही है या जिना कर रही है, जो भी कर रही है, आप उसको तीन तलाक़ें दें और बिल्कुल फारिग करें, अपने ऊपर हराम कर लें, अल्लाह ताला आपके लिए कोई बेहतर सूरत बना लेगा इंशाल्लाह। वो क्रिटिसाइज़ करें या जो भी करें, बस वो चली गई ना उनके प्रेशर में आके। हाँ, तीन तलाक़ों के बाद रुजू नहीं होता, सिर्फ एक तलाक के बाद रुजू होगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि एक तलाक हुई या तीन तलाक़ें हुई, जब इद्दत गुजर गई तो अब वो आज़ाद है किसी और मर्द से शादी करने के लिए, चाहे एक तलाक भी गुजरी हो। लेकिन अगर तीन तलाक़ें गुजर गई हैं तो रुजू नहीं हो सकता पहले शोहर से, तीन तलाक़ें अगर हो गई हैं तो। लेकिन अगर एक तलाक हुई है और इद्दत गुजर गई है, तो अपने शोहर के पास वापस जाने के लिए उसे निकाह करना पड़ेगा। तीन तलाक़ों के बाद अपने शोहर के पास वो वापस जा ही नहीं सकती, चाहे इद्दत गुजर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस अभी देखें ना, वो चली गई ना, आप भी उसको फारिग कर दें, उसकी तरफ देखना सोचना छोड़ दें उसको। बस जो भी हुआ अब वो जाने, अल्लाह जाने, आपके छोड़ के गैर मर्द के साथ चली गई तो आप छोड़ दें उसको, अब उसके पीछे भागना छोड़ दें। अगर आप उसको रखेंगे भी अपने साथ, तो फिर भी आप एक तो बिल्कुल मेरे हिसाब से दुयूस में आएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, और दुयूस बेगैरत शख्स होता है, और दुयूस के बारे में हदीस आपको पता है कि दुयूस जन्नत में नहीं जा सकेगा, अवकुमा कौल। तो अब वो बेगैरती की ना उसने, आपको छोड़ के गैर मर्द के साथ चली गई, तो लिहाजा आप भी उसे छोड़ें, वो जाने अल्लाह जाने, वो दर बदर ख्वार हो, जो भी हो, आपका मामला नहीं है उसके साथ जी। बस जो भी हुआ, जो भी हुआ तो उसे ये पहले सोचना चाहिए था ना, ये तो ऐसे ही होता है, जब निकाह कर लिया तो वो अब तो आके अपने शोहर के साथ रहेगी ना, बच्चों का मामला सेटल करना था, आपको छोड़ के कैसे चली गई वो, और आपने भेज कैसे दिया उसको। चलें अब बहरहाल अब आप जब वो गैर मर्द के साथ चली गई है, तो फिर आपका काम बनता नहीं कि आप उसके साथ रहें, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, कॉल्स भी आ रही हैं, कुछ और चीज़ें भी हमने करनी है। प्लीज़ बेटा, अभी मैं और कॉल नहीं ले सकूँगा। ठीक है जी, आज के लिए प्लीज़ इतना ही, अस्सलाम वालेकुम। यंग एंड मैरिड का ये जो सेशन होता है, ये इंशाल्लाह नाउ ऑनवर्ड्स यूट्यूब, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो पॉडकास्ट के हैं, वहाँ पर हर हफ्ते वाले दिन 6 बजे शाम को पब्लिश हुआ करेगा। तमाम लोग ट्यून इन किया करें हर हफ्ते को शाम 6 बजे, यूट्यूब, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर।